27-28% ग्रो करने वाली एनबीएफसी है, पिटा हुआ स्टॉक है। एक साल चार्ट देखिए आप, ये करीब 7,000 समथिंग के आसपास टॉप आउट हुआ था वही बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट वाले रेजिम में, और वहां से ये बॉटम बना के नीचे आया। ये देखिए 7,720 का लगभग टॉप था, 7,500, अभी 57 में मिल रहा है। क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो गया है? पहले मैं चार्ट से बात करूंगा इसके बारे में कुणाल से, उसके बाद सोलंकी जी से एक बार इसके डायनेमिक्स समझ लें। चार्ट्स क्या कह रहे हैं पहले ये बताइए, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल सकते हैं क्या? 5,700-5,500 के आसपास मिलता है तो फैला के लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो रहा है कुणाल बजाज फाइनेंस? पर्टिकुलर अगर स्टॉक की बात करें, 5,744 पे अराउंड ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 5,500 काफी अच्छा सपोर्ट अभी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार अगर देखने जाए ना तो 2022 में 5,500 के अराउंड का, यानी कि 9वें महीने में 5,500 के अराउंड का सपोर्ट लेकर काउंटर ने ऊपर हमें 5,500 तक की मोमेंटम दिखाई थी। एंड 2021 की बात करूँ ना तो कहीं ना कहीं 5,500 का एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक काउंटर फेस भी कर रहा था। तो अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर 150 रुपए की गिरावट दिखाता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा प्ले यहाँ पे हो सकता है। उस लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे वो है 5,200 का, 300 पॉइंट का एसएल है ना। स्टॉक की वॉलेटिलिटी को देखते हुए 300 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, तो अगर 5,500 आता है अप्रोच करता है तो 5,200 के एसएल के साथ हमें यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। नाउ आती है टारगेट की बात, तो अगर टारगेट की बात करूँ ना तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में मुझे काफी अच्छी मोमेंटम काफी अच्छा स्पर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं पहले टारगेट की बात करूँ तो 6,400 का पहला टारगेट है और उसके बाद 6,540 का दूसरा टारगेट है ये जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो काफी अच्छा स्टॉक ये बनते हुए देखने को मिल रहा है, बस थोड़ा सा अगर करेक्शन आ जाता है तो करेक्शन में अगर हम बाय करेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वहां पे हमारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई बजाज फाइनेंस की, बाय ऑन डिप्स रिस्क रिवॉर्ड। अब बात करते हैं कि कम होते हुए या फ्लैट होते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में एनबीएफसी फायदेमंद होते हैं कुणाल बैंक से? हमने पहले देखा है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में एनबीएफसी से पैसा निकल के बैंक्स में गया था, नेक्स्ट 1.5-2 साल का कॉल ले रहा हूं मैं, क्या 30-40% रिटर्न मिल सकता है? चोला इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया डायरेक्टर साहब, चोला बजाज फाइनेंस इन जैसे नामों से। सोलंकी जी 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 जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पॉइंट से भी दिख रहा है, और जो कंज्यूमर में जो रिवाइवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड के अंदर और इन्फ्लेशन के हिसाब से पीक आउट होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसमें ट्रैक्शन बिल्डअप हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे, और अपन हम इसके अंदर पॉजिटिव मूव भी देख सकते हैं, और काफी दिनों से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे डेफिनेटली केस बनता है पॉजिटिव होने का स्टॉक को। चलिए अब बजाज फिनसर्व पर ये राय, लेकिन इंडियन सॉफ्ट